अपनी मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारियों ने सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के बंगले पर घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के बंगले का घेराव कर सहकारिता कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि 1 मार्च से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आगामी 10 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। कई बार हम सहकारिता मंत्री माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर चुके, आवेदन कर चुके, लेकिन सरकार के द्वारा हमारे पैक्स कर्मचारियों को आज कर न तो वेतन मान दिया गया। चुनाव से पहले कहा गया था, समझौता हुआ था कि सभी को वेतन मान दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने सरकार बनने के बाद कर्मचारियों को अन्याय किया है। 60% जो प्रदेश में भर्ती हो रही है पैक कर्मचारियों को पदोन्नत होनी है, उनको अपात दिया जा रहा है, जबकि हमारे 2900 पद हैं, सभी को कैडर में पदोन्नत दी जाए और नहीं दी जाएगी तो हम लोग आंदोलन पर जा रहे हैं। आज सहकारिता मंत्री के बंगले पर हम लोग अपना निवेदन करने आए हैं, हमारी बात सुनी जाए और इसको तुरंत लागू किया जाए। चार सूत्री मांगों को लेकर नहीं होता है तो 1 मार्च से पूरे प्रदेश में कर्मचारी 55,000 काली पट्टी बांधकर 10 तारीख तक काम करेंगे और 11 तारीख तक निश्चितकालीन कलमबंद आंदोलन। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।